करते हैं कैंप टर्मिनोलॉजी की, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म समझेंगे कैंप से रिलेटेड, जैसे कि आपका प्रेशर एंगल, ट्रेस पॉइंट, व्हाट इज कैंप कर्व, व्हाट इज कैंप प्रोफाइल। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले कोई भी रोटेटिंग मेंबर होता है वो शाफ्ट पर लगाया जाता है, और शाफ्ट क्या होती है, शाफ्ट इज अ मैकेनिकल मेंबर विच इज यूज टू ट्रांसफर द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। इस शाफ्ट को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। इस शाफ्ट को सेंटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं जिसको कैम प्रोफाइल में नाम दिया जाता है बेस सर्किल। और बेस सर्किल वह सर्किल होता है जो कैम प्रोफाइल में सबसे छोटा सर्किल होता है। द स्मॉलेस्ट सर्किल इन द कैम प्रोफाइल इज नोन एज बेस सर्किल। इस बेस सर्किल के साथ में अटैच हम कर देते हैं एक रोलर फॉलोवर। व्हाट वी ड्रॉ, वी जस्ट ड्रॉ अ रोलर फॉलोवर विच इज अटैच टू द बेस सर्किल। दिस इज गाइड, एंड दिस इज रोलर फॉलोवर। इस फॉलोवर का जो सेंटर होता है वह सेंटर कहलाता है इसका ट्रेस पॉइंट। अभी एक नई टर्म आई है जिसको नाम दिया गया है ट्रेस पॉइंट। और ट्रेस पॉइंट वह पॉइंट होता है जो कैम कर्व को ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। द ट्रेस पॉइंट इज द पॉइंट विच इज यूज टू जनरेट द कैम कर्व। क्लियर। नाउ अगर बात करते हैं रोलर फॉलोअर की, तो रोलर फॉलोअर के केस में जो ट्रेस पॉइंट होता है वो रोलर का सेंटर होता है। रोलर का जो सेंटर होता है वही आपका ट्रेस पॉइंट होता है। बट अगर हम बात करें नाइफ एज फॉलोअर की, तो नाइफ एज फॉलोअर के केस में जो आपका ट्रेस पॉइंट होता है वो उस फॉलोअर की जो एज होती है वही आपकी ट्रेस पॉइंट का कार्य करती है। लाइक दिस, अगर ये बेस सर्किल के साथ में नाइफ एज फॉलोअर है तो जहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो रहा है यही आपका कहलाता है ट्रेस पॉइंट। ठीक। देन दिस प्रोफाइल इज नोन एज कैम प्रोफाइल। और कैम प्रोफाइल क्या होती है, द आउटर सरफेस ऑफ कैम, द आउटर सरफेस ऑफ कैम इज नोन एज कैम प्रोफाइल। राइट। अब जब हम कैम प्रोफाइल करते हैं, कैम टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया जाता है, तो उसमें कैम को फिक्स कर दिया माना जाता है और केवल फॉलोअर के मोशन को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है। जब हम फॉलोअर के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे और कैम को क्या कर देंगे, फिक्स माना जाता है। तो जब हम इस फॉलोअर को हम इसके मोशंस दिखाते हैं कुछ, क्योंकि ये रेडियल कैम है तो रेडियल कैम में जो कैम की एक्सिस होगी वो ऑलवेज कैम सेंटर से पास होगी। नाउ रोलर की जो नई पोजीशन आ चुकी है रोलर फॉलोवर की, वो कुछ इस तरीके से आ गई है। राइट। ये जो एंगल होगा अल्फा, इसको नाम दिया गया है कैम एंगल। बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, वो होता है हमारे लिए प्रेशर एंगल। देखते हैं प्रेशर एंगल कैसे बनेगा। बट प्रेशर एंगल से पहले बात कर लेते हैं कैम कर्व की। और अभी मैंने बताया था कि कैम कर्व कैसे ड्रॉ होता है। कैम कर्व ड्रॉ होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रेस पॉइंट। ये ट्रेस पॉइंट है, आगे भी ट्रेस पॉइंट मिलेंगे। और ट्रेस पॉइंट क्या होता है, ट्रेस पॉइंट इज यूज टू जनरेट द कैम कर्व। तो अगर हम इन ट्रेस पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे द
देखिए प्राइम सर्किल क्या होता है कि इसको सेंटर मानते हुए और ट्रेस पॉइंट तक की रेडियस लेते हुए जो हम सर्किल ड्रॉ करते हैं यह सर्किल आपका कहलाता है प्राइम सर्किल। एक जनरल सी टर्म समझे कि ट्रेस पॉइंट कहां पर मिलता है, तो ट्रेस पॉइंट बेस सर्किल से रोलर की रेडियस के बराबर जो डिस्टेंस होगी कहां से बेस सर्किल से वहां पर मिलता है आपका ट्रेस पॉइंट। और इसको सेंटर मानते हुए किसको शाफ्ट के यहां पे बेस सर्किल बनाया था इसको सेंटर मानते हुए और ट्रेस पॉइंट तक की रेडियस लेते हुए जो सर्किल ड्रॉ होगा वह सर्किल कहलाएगा आपका प्राइम सर्किल। जब आपने इन ट्रेस पॉइंट्स को मिलाया तो जो आपको ये कर्व मिला ये कहलाता है आपका कैम कर्व विच इज सिमिलर टू दी कैम प्रोफाइल। अब क्या करते हैं, जब बात करते हैं प्रेशर एंगल की, तो अभी आपको बताया गया था कि फॉल ओवर मोशन करते हुए डिफरेंट पोजीशंस में दिखाया गया है, तो ये लाइन ऑफ मोशन किसकी होगी, ये लाइन ऑफ मोशन होगी आपकी फॉल ओवर की। अभी लाइन ऑफ मोशन फॉल ओवर ही है, थोड़ी देर में आओगी, थोड़ी देर में आओगी और थोड़ी देर में आगे कहीं पर होगी। आप क्या करते हैं इस कैम कर्व पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वी ड्रॉ ए टेंजेंट ऑन दिस कैम कर्व, टेंजेंट ऑन कैम कर्व। अब इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नाउ वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन दिस टेंजेंट। तो जब ये परपेंडिकुलर यहां डाला जाएगा तो ये लंब हो जाएगा किस पर, कैम कर्व पर, नॉर्मल टू कैम कर्व। और अब हम देखेंगे कि ये जो एंगल बना किस किस के बीच में, द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर एंड नॉर्मल टू द कैम कर्व, इनके बीच में जो एंगल बना है ये एंगल आपका कहलाता है फाई, और इस फाई को आप प्रेशर एंगल से। सो प्रेशर एंगल इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर एंड नॉर्मल टू द कैम कर्व, राइट? ठीक है। कैम एंड फॉलोअर के केस में जो प्रेशर एंगल की वैल्यू होती है फाइव, वो मैक्सिमम 30 डिग्री हो सकती है, इससे ज्यादा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग टाइप ऑफ कैम एंड फॉलोअर में अगर प्रेशर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा एक्सीड कर गई तो जैमिंग कंडीशन विल बी क्रिएटेड। जैमिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए 30 डिग्री या इससे कम प्रेशर एंगल की वैल्यू रखी जाती है। अब बात करते हैं ये 30 डिग्री कहां पर मिलेगा, तो जिस पॉइंट पर प्रेशर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी वह पॉइंट कहलाता है आपका पिच पॉइंट। तो कैम प्रोफाइल में ऐसा पॉइंट जिस पर प्रेशर एंगल की वैल्यू मैक्सिमम होगी 30 डिग्री होगी वह आपका कहलाएगा पिच पॉइंट। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर ही मेरी फाई की वैल्यू मैक्सिमम है, तो अब ये पॉइंट कहलाएगा आपका पिच पॉइंट। सेंटर इसको मानते हुए और यहां तक रेडियस लेते हुए एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो ये जो सर्किल होगा ये कहलाएगा आपका पिच सर्किल। इस पॉइंट से लेके यहां तक ये आपका कहलाता है मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ फॉलोअर। जैसा कि आप डिस्प्लेस डायग्राम में पढ़ते हैं, द लिफ्ट ऑफ फॉलोअर को आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में एक्स एक्सिस पे दिखा देते हैं ऐसे ही, तो सिंपली अगर आप समझेंगे तो मैक्सिमम लिफ्ट ये होता है, राइट? यस सर।